दोस्तों, आज की हमारी भूली बिसरी फिल्म है साल 1997 में आई रोमांटिक म्यूजिकल ड्रामा फिल्म और प्यार हो गया। कुछ मायनों में ये फिल्म बहुत खास थी, जैसे म्यूजिक और ब्यूटीफुल लोकेशंस के रिगार्डिंग। फिल्म को स्विट्जरलैंड और जर्मनी के ब्यूटीफुल लोकेशंस पर शूट किया गया था। फिल्म के मेन लीड में हमें बॉबी देओल और ऐश्वर्या राय देखने को मिले थे। बॉबी देओल की यह उनके करियर की तीसरी फिल्म थी, जहां इस फिल्म से पहले उन्होंने डेब्यू फिल्म बरसात और गुप्त में काम किया था, जो दोनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सफल रही थी और बॉबी देओल को इन दोनों फिल्मों से स्टार का टैग मिल चुका था। जहां इन दोनों फिल्मों में बॉबी ने एक्शन और सीरियस टाइप के रोल निभाए थे, वहीं फिल्म और प्यार हो गया में इनका एक रोमांटिक चॉकलेटी बॉय टाइप का रोल था, जो उनकी पिछली फिल्मों से कुछ अलग था। और प्यार हो गया मूवी के लीड हीरोइन के रोल में हमें ऐश्वर्या राय देखने को मिली थी, जिन्होंने साल 1994 में मिस वर्ल्ड का खिताब जीता था। उसके बाद उन्होंने बॉलीवुड में कदम रखा था। इस फिल्म से उन्होंने हिंदी फिल्मों में डेब्यू किया था। वैसे ये उनके करियर की दूसरी फिल्म थी, क्योंकि इससे पहले उन्होंने एक तमिल फिल्म में काम किया था, लेकिन बॉलीवुड में पहचान उन्हें इस फिल्म से ही मिली थी। दोस्तों, साल 1997 में दो बड़ी फिल्मों से दो बड़ी अभिनेत्रियों ने बॉलीवुड में कदम रखा था, जिनमें ऐश्वर्या राय ने फिल्म और प्यार हो गया और महिमा चौधरी ने फिल्म परदेश से। महिमा चौधरी को फिल्म फेयर बेस्ट डेब्यू एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था, जहां काफी लोगों का ये मानना था कि ये अवार्ड ऐश्वर्या राय को मिलना चाहिए था। ऐश्वर्या राय को भी स्टार स्क्रीन का बेस्ट प्रोमिसिंग न्यू एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था, पर यह अवार्ड उतना बड़ा और फेमस नहीं है जितना फिल्म फेयर होता है। और प्यार हो गया फिल्म को डायरेक्ट किया था बॉलीवुड के जाने माने डायरेक्टर राहुल रवेल ने, जिन्होंने इससे पहले फिल्म लव स्टोरी डायरेक्ट की थी, जिससे एक्टर कुमार गौरव ने बॉलीवुड में डेब्यू किया था। इसके बाद उन्होंने सनी देओल की डेब्यू फिल्म बेताब को भी डायरेक्ट किया था। इसके अलावा भी उन्होंने कई चर्चित फिल्मों का निर्देशन किया है। दोस्तों, और प्यार हो गया फिल्म की कहानी एक लड़की आशी पर आधारित है, जो रोल ऐश्वर्या राय ने निभाया है। उसकी फैमिली थोड़ी पुराने विचारों वाली है, इसलिए वो उसकी अरेंज मैरिज करना चाहते हैं, जहां लड़का लड़की एक दूसरे को जाने बिना शादी कर लेते हैं। लेकिन आशी अपने होने वाले पति को जानना चाहती है, इसलिए वो स्विट्जरलैंड चली जाती है, ताकि वो अपने जीवन साथी से मिलके तसल्ली कर सके। वहां उसकी मुलाकात बॉबी देओल से होती है। बॉबी आशी को पसंद करने लग जाता है, इसलिए वो रोहित यानी आशी के होने वाले पति होने का नाटक करता है, और जब असलियत आशी को पता चलती है तो वो इंडिया वापस आ जाती है। इसके बाद आशी और उसका परिवार बॉबी को अपनाते हैं या नहीं, ये फिल्म उसी के बारे में है। फिल्म का बजट रखा गया था 6.25 करोड़ और इसने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था लगभग 16 करोड़, और ये एक एवरेज फिल्म रही थी। इस फिल्म में म्यूजिक दिया था नुसरत फतेह अली खान साहब ने और गानों के बोल लिखे थे जावेद अख्तर ने। फिल्म के एल्बम में 10 गाने रखे गए थे, जिसमें ज्यादातर गाने फेमस हुए थे और फिल्म के म्यूजिक को लोगों ने खूब पसंद किया था। फिल्म के कुछ फेमस गाने थे मेरी सांसों में बसा है, तेरा ही एक नाम, जिसे गाया था उदित नारायण ने, थोड़ा सा पागल थोड़ा दीवाना, जिसे गाया था आशा भोसले जी ने। इसके अलावा कोई जाने कोई ना जाने सॉन्ग, जिसे गाया था उदित नारायण, अनुराधा पौंडवाल और नुसरत फतेह अली खान साहब। दोस्तों, इस सॉन्ग में नुसरत फतेह अली खान साहब ने एक कैमियो रोल भी किया था, लेकिन फ्रेंड्स, इस फिल्म के रिलीज होने के मात्र एक दिन बाद ही नुसरत फतेह अली खान साहब का निधन हो गया था और वो इस फिल्म के म्यूजिक की सक्सेस को नहीं देख पाए थे। अगर नुसरत साहब जीवित रहते तो शायद एज ए म्यूजिक डायरेक्टर बॉलीवुड में और भी फिल्मों में उनका दिया म्यूजिक हमें सुनने को मिलता। फिल्म को लिखा था रूमी जाफरी ने और उन्होंने बताया था कि नुसरत साहब ने उनसे वादा किया था कि उनकी शादी में वो गाना गाएंगे। इससे पहले उन्होंने ऋषि कपूर की शादी में गाना गाया था, लेकिन इस वादे को नुसरत साहब पूरा करते इससे पहले ही वो इस दुनिया से चल बसे। दोस्तों, ऐश्वर्या राय के लिए लोग कहते थे कि ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीतना अलग बात है और फिल्मों में एक्टिंग करना अलग। यहाँ तक कहा गया कि ऐश्वर्या राय का लुक एक वेस्टर्न लड़की का है, इसलिए वो हिंदी फिल्मों में हीरोइन के रोल में सेट नहीं हो पाएंगी। इन सब बातों का जवाब देने के लिए फिल्म के मेकर्स ने फिल्म के मुहूर्त पर ऐश्वर्या राय की एक डांस परफॉर्मेंस रखी, जो इंडियन स्टाइल में थी, जहां उन्होंने नुसरत साहब के गाने कोई जाने कोई ना जाने पर परफॉर्म किया और वहां मौजूद फिल्म इंडस्ट्री के तमाम लोगों का मुंह उन्होंने इस परफॉर्मेंस से बंद कर दिया था। इस फिल्म में ऐश्वर्या राय के बेहतरीन लुक्स के लिए क्रेडिट उनके इस फिल्म के मेकअप आर्टिस्ट रहे मिकी कॉन्ट्रैक्टर को भी जाता है, जिन्होंने उनके हेयर मेकअप और स्टाइलिंग को बेहतरीन रूप से दर्शाया था। फिल्म को विजुअली बहुत खूबसूरत बनाया गया था, जिसका क्रेडिट फिल्म के डायरेक्टर के साथ साथ फिल्म के सिनेमेटोग्राफर मनमोहन सिंह को भी जाता है, जिन्होंने
इससे पहले चांदनी, लम्हे, डर और दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे जैसी फेमस फिल्मों में कैमरा वर्क किया था। दोस्तों, फिल्म और प्यार हो गया का बेसिक आइडिया साल 1994 में आई हॉलीवुड रोमांटिक मूवी ओनली यू से लिया गया था, लेकिन डायरेक्टर राहुल रवेल ने इस कहानी को टिपिकल बॉलीवुड फैमिली ड्रामा रखा था ताकि दर्शकों को कहानी पसंद आए। दोस्तों, फिल्म के एक गाने की शूटिंग स्विट्जरलैंड में चल रही थी। उस वक्त सनी देओल भी वेकेशन पर स्विट्जरलैंड आए हुए थे, इसलिए वो फिल्म के सेट पर भी बॉबी देओल से मिलने पहुंचे। इस मौके को देख डायरेक्टर राहुल रवेल ने फिल्म के एक गाने हमसे रहोगे क्या हमेशा खफा के एक सीन में सनी देओल से गेस्ट अपीयरेंस का रोल करवा लिया था। दोस्तों, और प्यार हो गया फिल्म का एक सीन काफी सालों बाद चर्चा का विषय बना और फेमस भी हुआ था, यहाँ तक कि उस पर कई मीम्स भी बनाए गए। दरअसल फ्रेंड्स, फिल्म के एक सीन में बॉबी देओल ऐश्वर्या राय की नाक में एक स्टिक डालते हैं। बाद में साल 2019 में कोविड पेंडेमिक के समय ये सीन वायरल हुआ और मजाक के वे में लोगों ने इसे शेयर किया कि कोविड टेस्ट किस तरह किया जाता है। दोस्तों, फिल्म के क्लाइमेक्स में एयरपोर्ट का सीन दिखाया गया है, लेकिन उस सीन का काफी मजाक बनाया जाता है घटिया विजुअल इफेक्ट्स के कारण, जहां नकली एरोप्लेन आफ्टर इफेक्ट से ऐड किया गया था। फिल्म देखने के बाद बॉबी देओल भी काफी नाराज हुए थे इस सीन को लेके मेकर्स से, और इस सीन की वजह से फिल्म की इमेज पर भी नेगेटिव असर पड़ा था। इस मुद्दे पर बात करते हुए फिल्म के राइटर रूमी बताते हैं कि हम सबको भी ये सीन पसंद नहीं आया, लेकिन यह सीन जानकर नहीं रखा गया था। फिल्म के डायरेक्टर राहुल रवेल टेक्निकली काफी स्ट्रॉन्ग डायरेक्टर थे और उन्होंने इस आफ्टर इफेक्ट के लिए कई हॉलीवुड स्टूडियोज से कांटेक्ट भी किया था, लेकिन उनकी फीस इतनी हाई थी जो हमारे प्रोड्यूसर्स पे नहीं कर सकते थे। इस कारण डायरेक्टर को उस सीन में कम बजट के आफ्टर इफेक्ट का ऑप्शन लेना पड़ा। दोस्तों, ये थी एक और भूली बिसरी फिल्म। जल्द मिलेंगे किसी पुरानी फिल्म की नई कहानी के साथ।